टू द टीम आईएस। आज हम लोग नए सेशन के साथ फिर से आ गए हैं। आज हम लोग आपके लिए स्पेशली लाए हैं साइंस और टेक के क्वेश्चन, यानी कि साइंस टेक के क्वेश्चन। जैसा कि देखा गया है कि 69 से पहले क्या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आते थे, वही पे 69 से एक पैटर्न में चेंज आया है जिसमें क्या हो गया है, साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन आने लगे। इसलिए इस सेशन में हम लोग स्पेशली आपके लिए साइंस टेक के क्वेश्चन लाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट चंबा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रीजन है द सी इज नियर टू द प्लेस इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि थुम्बा है कहां पर। तो थुम्बा तो है आपका, वो कहां पर है, केरला में, ठीक है, यानी कि समवेयर हेयर, यहां पे आपका थुम्बा है। और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज अ प्लेस नियर टू अ सिटी इन इंडिया विच इज नियरेस्ट टू द ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्या इंडिया किसी भी केस में ज्योग्राफिकल इक्वेटर के पास है? नो, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। इट इज सिचुएटेड टू द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा मन में कि हो सकता है ये सही हो सकता नहीं हो, आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है आउटर स्पेस नियर थुम्बा एक्सिबिट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, हो सकता है। आप सोच के देखिए, कॉमन लॉजिक लगाइए इस क्वेश्चन में, हो सकता है नहीं। इसका जो सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी। इट इज सिचुएटेड ऑन द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। नाउ सिंपल क्वेश्चन है, ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, मतलब हम लोग ने जियोग्राफिकल इक्वेटर सुना हो, ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर क्या है। मैं इसलिए छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूँ। सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये आपका क्या है, जियोग्राफिकल इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री। इसके ऑलमोस्ट पैरेलल, मैं चेंज कर देती हूँ कलर, इसके ऑलमोस्ट पैरेलल ये आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल एक लाइन जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। क्लियर, ये वैसे प्लेसेस को कनेक्ट करती है जो कि क्या है, मैग्नेटिक नीडल्स यहाँ पे ड्रिप कर जाती है। इधर क्लियर, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे आपको क्या है, इसरो सेंटर दिए हुए हैं, इसरो सेंटर दिए हुए हैं और ये उनका लोकेशन दिया हुआ है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, अभी जस्ट बात ही हम लोगों ने की थी, केरला में। क्लियर, त्रिवेंद्रम केरला, यानी कि ये सही है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर में, एग्जैक्टली, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या ये देहरादून उत्तराखंड में है, नहीं, ये हैदराबाद में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर एलिमिनेशन मेथड भी देखें तो यानी कि जिस भी ऑप्शन में सी है वहां पे क्या है, ऑटोमेटिकली रॉन्ग, आपको आंसर मिल चुका है यहां पर, लेकिन आगे का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है, ये देहरादून, यानी कि ये भी गलत, यानी कि सिर्फ आपको ए एंड बी ओनली इज राइट, आपको ऑप्शन पहले भी मिल चुका है। कहने का मतलब है कि दो तरीके से आप बना सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन। पहला मेथड होता है कि आपको नॉलेज हो
दूसरा होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज, कि सिर्फ हमको मालूम था कि यहाँ पे ना हो कि ये हैदराबाद में है, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो आपका सेंटर है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। यही से हम लोगों ने क्या था, आंसर पे आ चुके थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite is used for the simplest question. Satellites का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? Communication में होता है, weather forecasting में होता है, agriculture and forestry में होता है, यानी कि option is D. Fourth में आता। With reference to Indian satellite launch vehicle, consider the following statement. लॉन्च व्हीकल पे ये क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहला है PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, व्हेयरएज द DSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पढ़े होंगे आप, एकदम सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर वन सही होगा, यानी कि जिनमें ऑप्शन नंबर वन नहीं है प्लीज एलिमिनेट कीजिए उनको, दो ही ऑप्शन बच रहा है, आइदर ए होगा नॉर और बी होगा, सॉरी और सी होगा आपके पास, ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं हम लोग। द सैटेलाइट लॉन्च बाय द PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई As viewed from a particular location on the earth. ठीक है, ऐसी सैटेलाइट कौन सी है जो कि आपको हर लोकेशन से अर्थ के परमानेंटली फिक्स दिखे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को PSLV से लॉन्च किया जाता है? नहीं, उसे GSLV से लॉन्च किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर टू क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर टू रॉन्ग है। इसके साथ सी का भी ऑप्शन खत्म हो गया है, आंसर मिल चुका है, ए है। लेकिन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। DSLV Mark III is a four-stage launch vehicle with first and third stage using solid and second stage and fourth stage क्या कर रहा है, लिक्विड इंजन यूज कर रहा है ऐसा दिया? नहीं, ये फोर स्टेज नहीं, थ्री स्टेज होता है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, पूछ रहा है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, द आंसर इज ए। क्लियर? फिफ्थ पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज, ठीक है, IRS सैटेलाइट का कहाँ का इस्तेमाल होता है? तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी इस्तेमाल होता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में भी इस्तेमाल होता है उन्हें लोकेट करने में, मिनरल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी भी टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडी में इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जहां पे 1, 2, 3 आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS जो आप यूज करते हो गूगल मैप में, ठीक है, इस एसोसिएटेड विद किस किस चीज से ये संबंधित है? क्लियर? यहां पे भी है संबंधित है किस किस चीज से। पहला, डिटरमाइनिंग द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ऑब्वियस ही बात है, बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आप किसी भी चीज की पोजीशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन वन क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा। ऑप्शन नंबर टू क्या कह रहा है, ग्रहों का समूह। तो क्या एक सैटेलाइट से आप पोजिशन पता कर सकते हैं पूरी अर्थ की? नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा,
सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होगा, सैटेलाइट्स के समूहों का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी राइट है। अब हर कंट्री का अपना अपना जीपीएस है। जैसे जो हम जीपीएस यूज करते हैं वो किसका है, यूएस का है, क्लियर। इसी तरीके से रशिया का है, इसी तरीके से आपके यूरोप स्पेस एजेंसी का है और आपके चाइना का पीडू है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि डिफरेंट कंट्री कौन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल तो यहीं पे लिखा है, यूएस का लिखा है, एक रशिया का लिखा है, क्लियर। तो ये आंसर भी सही होगा। क्या ये नेविगेशन का काम करता है, एग्जैक्टली। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सारे सही होंगे। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, वन लाइनर आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। फिर से क्वेश्चन, मिसाइल और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पृथ्वी टू ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, न्यूक्लियर कैपेबल है, और क्या है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्या पृथ्वी टू सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? यस, ऐसे भी ट्रिक है, पृथ्वी है तो सरफेस टू सरफेस ही होगी। नेक्स्ट, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एग्जैक्टली। के फोर न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च मिसाइल, यस। आकाश MK1S सरफेस टू एयर मिसाइल, यस। तो ये सारे सही है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डीएनए, देखिए डीएनए आरएनए जो क्या है ना, फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज क्या है, डबल हेलिक्स, ये तो उसका मॉडल है, डबल हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई ये वाला जो चीज बनती है, तो डीएनए में देखा होगा, ये तो उसका क्या स्ट्रक्चर है। एरर इन बेस सीक्वेंस हो सकता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, पहले डीएनए भाई होगा तब ना उसको रेप्लिकेट करो, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस, क्या आंसर लगता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सप्लेन कर रहा है हायर म्यूटेशन रेट और फास्टर इवोल्यूशन आरएनए वायरस में। वायरस में देखा है ना कि बहुत तेज म्यूटेट कर जाते हैं, जैसे कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं तो कोरोना वायरस के क्या हो गए हैं, बहुत सारे वेरिएंट आए हैं, तो यानी कि उसमें म्यूटेशन भी फास्ट है और बहुत तेज एवोल्यूशन हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आरएनए होता है वो रिलेटिवली डीएनए से अनस्टेबल होता है, क्लियर। जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। इलेवन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसर्ट और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, रिसर्ट और रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत कॉमन है स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पहले पढ़िए। स्टेम सेल रिसर्च
become extremely important watching the vast potential of the stem cell. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है. क्या लग रहा है, ट्रू है फॉल्स है, क्या है? सही लग रहा है, इसको ट्रू मानते हैं. नाउ रीजन देखिए, स्टेम सेल कैन फॉर्म एन इंटायर एम्ब्रियो. यस, एकदम सही. इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि स्टेम सेल के बारे में. तो आपकी बॉडी में कुछ सेल्स क्या होती हैं? एकदम फिक्स होता है कि वो लीवर सेल बनेगी, हार्ट सेल बनेगी, ब्रेन सेल बनेगी, ब्लड सेल बनेगी. कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी कि वो बाद में किसी चीज का भी फॉर्म ले सकती है. वैसे सेल्स को क्या कहती है? स्टेम सेल कहती है. क्लियर? नाउ पहला हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा है कि जो स्टेम सेल रिसोर्सेज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि विद साइंटिस्ट कम्युनिटी है, वो देख रही है कि इसमें वाट पोटेंशियल है. करेक्ट है. नाउ रीजन है इस रिसर्च का कि जो स्टेम सेल है उसे क्या हो सकता है, इंटायर एम्ब्रियो भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है स्टेम सेल. तो यानी कि असर्ट भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है. अगर ये दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो यानी कि क्या होता है, ऑप्शन ए. ठीक है, लेकिन वही देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, करेक्ट आंसर तो हो ही गया है, ए होगा इसका आंसर. लेकिन ऑप्शन और दूसरे भी पढ़ लेते हैं. जब ए एंड आर दोनों ही सही हो, लेकिन आर ए से करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो. ठीक है, अगर ये कुछ और सेंटेंस होता लेकिन ट्रू होता, लेकिन ये इससे क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता या रीजन नहीं होता, तो आप किस पे जाते हैं? आप ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं. कभी कभी क्या होता है, जो एसर्ट होता है वो ट्रू होता है, लेकिन जो रीजन होता है वो फॉल्स होता है. उस केस में क्या हो जाएगा, सी, एसर्ट फॉल्स, लेकिन रीजन क्या हो, ट्रू हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. लेकिन इस केस में क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ए. याद रखिएगा, ए. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए. ये चार आपको दिए हुए हैं प्रोफेशन. आपको लगता है कि एलिमिनेशन मेथड जिसमें यूज करते हैं, क्या डाई और पेंट वाले में ऐसा हो सकता है कि परमानेंट चेंज आ जाए सेल के डीएनए में? कभी देखा है आपने ऐसा? नहीं. तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस पे है उसको गलत मान लेते हैं. हो गया, तो ऑप्शन बचा है ए एंड बी. ना पोल माइनर में भी देखा है ऐसा, जो कोयले के खान में काम करते हैं उनमें भी नहीं होता, यानी कि ये भी गलत हो गया. बच रहा है वो, क्या बच रहा है, ए. क्लियर? तो यहाँ पे क्या देखा है हम लोगों ने कि अगर आप सारे ऑप्शन के बारे में ना मालूम हो और सिर्फ में दो ही तीन के बारे में मालूम हो या किसी एक के बारे में भी मालूम हो, तो आप क्या हो सकता है, 50-50 के गेस पे ले आ सकते. यानी यहाँ पे चांस बन जाती है कि 50% हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए. क्लियर? विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी वो भी किसमें भाई, हेल्थ सेक्टर में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. क्लियर? और हम लोगों ने कितनी बार स्टूडेंट्स को कंप्लीट करवाया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय द नैनो टेक्नोलॉजी. यही तो यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में. सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, यही यूज है. तो
दूसरा क्या है? का नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन थेरेपी। एकदम सही, यानी कि दोनों सही है, तो यानी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिफर टू। सिंपल डेफिनेशन पे जाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत जाइए, चारों में पढ़िए सिंपल डेफिनेशन। सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन है ये। और मुझे इसका एग्जांपल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? अगर किसी ने भी इसका ढंग से डेफिनेशन पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही लेगा। आठ, That provide a software infrastructure and the platform just as required by the application and user. Simple definition से question था। Clear? Question number 15। BPSC में क्या होता है कि अगर आपने 69 का paper देखा होगा तो भी उसमें क्या है कि full form पूछा गया था। दो क्वेश्चन क्या थे? फुल फॉर्म से क्वेश्चन थे, इसीलिए हम लोग ने इसमें क्या डाला है? फुल फॉर्म डाला है। मुझे बताइए लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर तो अपने उन्होंने यूज किया होगा, डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर का एक सिंपल सा हिंट देती हूँ, लेजर का संपर्क किससे होता है? लाइट से होता है। यानी कि यहां पे भी एलिमिनेशन देखिए कि ए और सी कट गया है, यानी कि बी और डी में से कोई एक ही चीज सही होगी, ठीक है? अब आते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन कॉमन बाय रेडिएशन या ऑफ रेडिएशन या ऑफ रेडियो किससे है? रेडिएशन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसके साथ साइंस टेक का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे। इसी तरीके से हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग आपके एग्जाम तक और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।